IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। और अब बात बिहार की, जहां जेडीयू, बीजेपी और जीतन राम मांझी के बीच जारी सत्ता का महासंग्राम आखिरी दौर में पहुंच गया है। कल मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को विश्वास मत साबित करना है, लेकिन इससे पहले हाईकोर्ट ने मांझी को बड़ा झटका दिया और 8 विधायकों के वोटिंग करने पर रोक लगा दी, जो कि मांझी समर्थक थे। सियासी उठक पटक के बीच विधानसभा स्पीकर ने बीजेपी से नेता विपक्ष का पद छीनकर जेडीयू को दे दिया। स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ बीजेपी ने जमकर विरोध किया है। कल क्या होगा बिहार का? क्या मांझी साबित कर पाएंगे बहुमत? क्या नीतीश दोबारा बन पाएंगे मुख्यमंत्री? सियासी मझधार में घिरा बिहार यही सवाल पूछ रहा है। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में जीतन राम मांझी का शक्ति परीक्षण होना है, लेकिन उससे पहले कई राजनीतिक दांव पेंच दिखाई दिए। बिहार विधानसभा में जेडीयू ने बीजेपी से मुख्य विपक्षी दल का दर्जा छीन लिया। स्पीकर ने बीजेपी के नंद किशोर यादव की जगह जेडीयू के विजय चौधरी को विपक्ष का नेता बना दिया, जबकि नीतीश कुमार को विधान परिषद का नेता विपक्ष बना दिया गया। इस फैसले से विश्वास मत के दौरान जेडीयू को अपने विधायकों को एकजुट रखने में मदद मिलेगी और जेडीयू विधायक मांझी सरकार के खिलाफ वोट कर सकेंगे। वहीं स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। विधानसभा स्पीकर के दफ्तर के बाहर बीजेपी विधायकों ने मार्शल से भी धक्का मुक्की की। मांझी का समर्थन कर रही बीजेपी ने स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाते हुए उन्हें जेडीयू का एजेंट करार दिया। स्पीकर साहब ने जनता दल यूनाइटेड को सत्ता और विपक्ष दोनों का दर्जा दे दिया। लगता है नीतीश जी के भाग में अब आगे सत्ता लिखी नहीं है, विपक्ष ही लिखा हुआ है। वहीं जेडीयू ने एक वीडियो दिखाकर दावा किया कि बीजेपी मांझी के जरिए उसके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। विधायक सरफुद्दीन का आरोप है कि उन्हें आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने फोन किया और बड़े पद और पैसे का लालच दिया, लेकिन पप्पू यादव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मोबाइल से हमको बात कराया और वो कहे से जो पप्पू जी कह रहे हैं उससे भी ज्यादा आपको मिलेगा। 3 बजे हमको कॉल आया सबसे बड़ा पोस्ट आपको मिलेगा। सरफुद्दीन से कभी भेंट ही नहीं, परिचय ही नहीं, कहां से तो किसको तोड़ दिए। जांच कराना चाहिए, बात आई है, जांच करा लीजिए। सवाल ये भी उठता है कि आपके ऊपर आरोप आखिर कोई क्यों लगाएगा? क्या इसलिए लगाएगा क्योंकि आप पार्टी लाइन के उलट जा करके मांझी सरकार बचाना चाहते हैं? सामाजिक न्याय की ताकत को बचाना चाहते हैं, बिहार के गरीबों को बचाना चाहते हैं। इस बीच पटना हाईकोर्ट ने मांझी को एक बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने मांझी के साथ आए जेडीयू के 8 बागी विधायकों पर विश्वास मत के दौरान वोटिंग करने पर रोक लगा दी। यही नहीं, हाईकोर्ट ने मंत्री विनय बिहारी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें स्पीकर उदय नारायण चौधरी को विश्वास मत से दूर रखने की मांग की गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री मांझी अपने बयानों में बेफिक्र नजर आए। जितने भी गरीब से संबंधित मामला हो सबको थोड़ा सा झकझोरने का काम किया तो उन लोगों को तो लगा कि हमारे पैर से जमीन के तरह से पैर है, खिसक जाएगी, तो अभी इसका एक ही उपाय है कि जीतन मांझी को हटा दो। कैसे होगा सर? होगा, देखिएगा। मांझी भले ही बेफिक्र दिखे लेकिन बिहार विधानसभा का गणित उनके पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। मौजूदा स्थिति के मुताबिक बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है, इनमें से 10 सीट खाली पड़ी है, जबकि 8 विधायकों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। ऐसे में विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 113 रह जाता है। नीतीश के समर्थन में जहां 130 विधायक है वहीं मांझी के पास महज 8 विधायक है। बीजेपी के 87 विधायक मिलाने के बाद यह आंकड़ा 95 तक पहुँच जाता है, जो कि बहुमत से काफी कम है। फिलहाल सबकी नजरें बिहार में कई दिनों से जारी सत्ता की महासंग्राम पर टिकी हैं और अब शुक्रवार को तय हो जाएगा कि बिहार का सियासी भविष्य कैसा होगा। अमिताभ सिन्हा के साथ अरुण सिंह, पटना, IBN 7। वहीं बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बीजेपी विधायक मांझी को विश्वास मत में समर्थन करेंगे। ये फैसला विधायकों के साथ बैठक में लिया गया। सुशील मोदी का कहना है कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रोश है।
महादलित के प्रति जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय और अपमान का बदला लेने के लिए एक महादलित के साथ हम खड़े हैं और उसका हम साथ देंगे। अब वो बहुमत सिद्ध कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इतनी हमारे जो विधायक है वो उनके साथ में खड़े रहेंगे। बाकी विश्वास मत हमको सिद्ध नहीं करना है, ये विश्वास मत श्री जीतन राम मांझी जो जदयू के सदन के आज नेता हैं उनको ये विश्वास मत हासिल करना है। अब सारी नजरें हैं इनकी ओर जो आपके स्क्रीन पर है, जीतन राम मांझी। और बड़ा सवाल यह है कि अब बहुमत साबित करने से कितनी दूर है वो। हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा पटना से इस वक्त हमारे साथ हैं। अमिताभ, ये बताएं कि इस वक्त मैथमेटिक्स क्या बता रहा है, गणित क्या है बिहार का, कितने विधायक दूर हैं बहुमत साबित करने से जीतन राम मांझी? आज के नीतीश और मांझी के डिनर से कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, जहां तक नंबर के खेल की बात है, मैं आपको बता दूं छोटे शब्दों में कि 245 स्ट्रेंथ है यहाँ की असेंबली की, जिसमें अभी मौजूदा वो 230 की, यानी कि 117 विधायक चाहिए जीत के लिए, बहुमत साबित करने के लिए। लेकिन जेडीयू के पास 99 विधायक हैं, जो कि नीतीश कुमार के घर अभी इतनी बड़ी संख्या मौजूद है। मैं खुद नीतीश कुमार जी के घर पे मौजूद हूँ, इसलिए कह सकता हूँ कि विधायकों की संख्या यहाँ काफी ज्यादा है। उसके साथ आरजेडी के 24, कांग्रेस के 5, सीपीआई के 1, इंडिपेंडेंट को 1 मिला दो तो उनके पास 131 हो जाता है। बीजेपी ने जो समर्थन का ऐलान किया है 87 विधायकों के साथ, ऐसे में कि वो बहुमत साबित कर चीज है जी। यानी कुल मिलाकर मामला ये जो अमिताभ सिन्हा बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी इस वक्त बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। आप सबकी नजरें होंगी कल के विश्वास मत पर।